सब्सक्राइब करें इन्फॉर्मेशन हब यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन हब यूट्यूब चैनल। भारत अपने बेहतरीन दोस्त जापान से मुंबई हमलों का इल्जाम पाकिस्तान पर डालवाने में नाकाम। जापान का पाकिस्तान के हक में बड़ा ऐलान सामने आ गया। आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। भारतीय हुकूमत अपने तमाम तर कोशिशों के बावजूद अपने बेहतरीन दोस्त जापान से 26/11 के मुंबई हमलों का इल्जाम पाकिस्तान पर डलवाने में नाकाम हो गया। बावजूद भारतीय कोशिशों के जापानी हुकूमत ने सिर्फ दहशतगर्दी की मजम्मत की, पाकिस्तान के हवाले से किसी भी किस्म का बयान जारी करने से गुरेज किया। तफसीलात के मुताबिक भारत ने मुंबई हमलों के 10 साल मुकम्मल होने पर भारत ने दुनिया भर के अहम ममालिक से सफारती सतह पर हमदर्दी हासिल करने और उनसे पाकिस्तान मुखालिफ बयान हासिल करने की सरतोड़ कोशिशें की, ताहम भारत कामयाब नहीं हो सका। इस हवाले से जापानी हुकूमत से भी भारत ने सफारती सतह पर कोशिशें करके पाकिस्तान मुखालिफ बयान हासिल करने की कोशिशें की, लेकिन जापानी हुकूमत ने सिर्फ दहशतगर्दी की वाकये की मजम्मत की। जापान के दफ्तर खारजा के एक बयान में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार रहा है और हजारों जाने जाया हुई। किसी भी मुल्क पर भारत का इल्जाम आयद करना इखलाकी इकदार के मुनाफी है। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा आज की ये वीडियो, आज की इंफॉर्मेशन आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। मजीद अपडेट्स के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।